राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा का अगला फेज 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी के कांग्रेस नेताओं के मुताबिक 3 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा के तहत यूपी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यह सफर 5 जनवरी तक पूरा होगा। यूपी में यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। अखिलेश यादव और मायावती ने राहुल गांधी के पत्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हो रही है। राहुल गांधी को यूपी की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बसपा का सहयोग मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। भारत जोड़ो यात्रा को अखिलेश यादव और मायावती का साथ मिलने से यूपी में राहुल गांधी का उत्साह बढ़ाने का काम करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में गाजियाबाद, बागपत और शामली से गुजरते हुए हरियाणा जाएगी। यूपी में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी 11 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही छोटी है, लेकिन उसका सियासी असर दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।